member managing committee women's professional forum, and as a part of a monthly activity we have organized a small awareness program about the general population regarding the kidney diseases. It's not only a very important for a general population, but in addition to that, it's an upcoming threat. It's an upcoming challenge for the national level, that the kidney diseases are increasing in number throughout the world, and unfortunately, since the basic health awareness and facilities are very scarce in our country, we are at the verge of getting a huge burden of the kidney diseases in coming years. How to deal with them? It's like start with the public awareness, so that at least at their home level, at their family level, at their relatives level, they can contain and take care of those important issues right from the beginning at their younger age, so that they face least possible complications of the kidney diseases. Today, on the request of the Women Professional Forum, one of my colleague, Dr. Murtaza Durilia, he is an associate professor at Kidney Center. He is a very I have a very close contact and working relationship with him, and he was nice enough to take time and has come over all the way from Hedri to defense to give us a talk about the medical diseases of the kidney as an organ. And after his talk, I'll follow it as a surgical treatment of the kidney diseases. I believe that the total duration of our combined talk would be somewhere between like 40 to 50 minutes. And if there would be any questions, we will entertain at the end. So I would request Dr. Murtaza to come over and give us the awareness about the kidney disease. So, मैं ऐसे Dr. Shoaib से पूछ रहा था कि इन लोगों को किस बात की सजा मिली है, तो इकबाल वाले रोज़ इनको ये सुनाया जा रहा है. तो इसलिए मैं obviously इस पूरे time में मैं सिर्फ superficial चीज़ों को cover करूँगा, basic क्या है. और जस्ट बिकॉज के एक जो जनरल नॉलेज है रीनल प्रॉब्लम्स की, गुर्दों के मसाइल की, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कोई सवाल बीच में हो तो हम कर लें, बिकॉज कि ये एक फॉर्मल लेक्चर की तरह बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो इसलिए अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कुछ है मेरे घर में, आप मुझे रोक कर भी कुछ पूछना चाहें तो मैं उससे वेलकम करूँगा. तो बेसिकली हम इस नेक्स्ट जो भी टाइम 20-25 मिनट में जैसे हम चलेंगे कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और फिर उसके किडनी फेल होने के क्या माने, और उसके आगे फिर हम जो है वो इसके थोड़े से क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, उसको कहाँ से, यानी वो उसके क्या मानी है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और फिर उससे आगे अगर टाइम मेरे ख्याल में कम है लेकिन अगर हम टच कर सके कुछ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, क्योंकि मेन बर्डन है हमारे वहाँ, तो उससे जो रीनल प्रॉब्लम या उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे. वरना फिर आखिर में जो इससे बचाव के लिए या जो थोड़ी बहुत हमें केयर करनी चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम में हमें ना आना पड़े, या अगर जो इसमें आ भी जाए इस प्रॉब्लम को फेस करे भी, तो वो इससे कैसे बच सकते, उस पर हम बात करें. थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता हूँ सबको ही होगी. गुर्दे दो होते हैं और कमर के इस हिस्से में यानी रिब के पीछे लाई करते हैं, और हमारे ये जो गुर्दों से एक पाइप निकलते हैं उसे यूरेटर बोलते हैं, और वो मसाने में जाकर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर दोनों कंबाइन होते हैं, और वहाँ से फिर यूरिन बाहर आता है. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. ये एक गुर्दा जो हमें नज़र आता है उसमें हर एक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं. जैसे एक वॉल बनी हुई है, वॉल में ब्लॉक से बनी हुई है, तो इसी तरीके से जो फंक्शनल यूनिट कहना चाहिए या बिल्किन ब्लॉक ऑफ किडनीज हैं, वो हर गुर्दे में 10 लाख हैं, 1 मिलियन है. और ये हर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने शो किया हुआ है. ये एक बेसन के शेप का समझ लें कि आप एक पहले का हिस्सा है, फिर एक ट्यूब पूरी उसमें जाकर फिर यहाँ पर यूरिन का कलेक्शन हो रहा है.
इस पूरे उसमें जो है वो रोज़ का 120 से 150 लीटर खून जो है वो हमारा इसमें आकर साफ़ होता है और वो इन ट्यूब्स में से प्रोसेस होता है और अक्सरियत रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है और पूरे दिन में 1 से 1.5 या 2 लीटर से ऊपर यूरिन नहीं बनता। यानी 150 और 150 लीटर खून की सफाई में से सिर्फ 1 से 2 लीटर के करीब यूरिन बनता है उसमें। तो जब गुर्दा फेल होना शुरू होता है तो ये नंबर ऑफ नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, यानी 10 लाख में से 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरीके से जो पूरा एसएस गुर्दा एक साथ जो फेल है। और अगर अचानक से पूरा फेल हो गया इसका मतलब है कि सबके सब नेफ्रॉन ने एक साथ काम करना, यानी सारे यूनिट्स जो है फंक्शनल वो सारे के सारे नाकार हो गए। फंक्शन काफ़ी सारे, हम तफसील में नहीं जाते, लेकिन मेन जो काम है इसका हमारे गुर्दों का हमारे जिस्म में खून की सफाई करना है। खून की सफाई करने के मानी ये है कि हमारे जिस्म में रोज़ वेस्ट ऐसी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि अगर खून में रह जाएं तो हमारे सारे ऑर्गन को नुकसान कर सकते हैं बाद में। क्योंकि खून जिस्म के हर हिस्से में शराइय करता है, हर जगह पहुंच जाए, तो अगर वो वेस्ट चीज़ें हमारे खून में रह जाएं और साफ ना हो तो फिर वो हर ऑर्गन को नुकसान कर सकते हैं। तो एक काम तो यह है कि वो इसको साफ़ करते हैं, ये सारा जो भी इसको वेस्ट बोलें या इसको टॉक्सिक सब्सटेंस बोलें या व्हाटएवर, वो उसको रिमूव करती है। सेकंड, पानी का बैलेंस, जो हम पानी लेते हैं उसका निकलना भी लाजमी है और उसका जो सबसे मेन रूप है वो यूरिन के रास्ते पानी हमारे जिस्म से रिमूव होता है, ये भी गुर्दों का मेन काम है। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की नम्पियात का ऊपर नीचे करना या बैलेंस रखना, फिर मुख्तलिफ खून में जो तेजाबियत है उसको कंट्रोल में रखना और खून बनाना, और ये सारे और भी और फंक्शंस हैं उसके। तो बेसिकली इस तरीके से जो ये लाल रंग की ये आर्टरी है इससे खून गुर्दों में पहुँचते हैं, फिर एक किस्म का ये फिल्टर की किस्म का एक लगा हुआ है, जैसे पानी का फिल्टर का कॉन्सेप्ट ले लिया जाए, वो जो खून में से कचरा है उसको ये पेशाब के रास्ते येलो वाले पाइप से निकाल देते हैं और वापस बाकी सारा जो साफ खून है वो ब्लू वाले पाइप के ज़रिए जिसको वेन बोलते हैं, वेन से वापस जिस्म में आकर सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा एक तरीका है जिससे जी नहीं वो एक एक्चुअली हर चीज़ सेलुलर लेवल पे होती है, तो सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन बनते रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये सारा। तो अगर उसकी रिमूवर ना हो तो फिर उसकी मिकदार बढ़ जाती है और वो एक टॉक्सिक लेवल पे आ जाती है जहाँ पर वो बाकी सेल्स के फंक्शन को जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारे खून में एक सर्टेन एनवायरनमेंट होनी चाहिए, अगर आपको डिजीज़ नहीं होना, दुनिया की हर चीज़ में बैलेंस होना, यानी क्या कहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मुतवाजन होना चाहिए, उससे ऊपर भी बुरा उससे नीचे भी बुरा। तो खून की एक एनवायरनमेंट मेंटेन है, हर वैल्यूज़ उस लेवल में रहेगी तो सही है, उससे ऊपर या नीचे होगी तो नुकसान करेगी। तो इसलिए अगर ये सफाई ना हो इस प्रोसेस में तो वो उसके लेवल बढ़ जाएंगे और वो जो है वो फिर नुकसान करना शुरू। दोनों वो नेफ्रॉन में होते हैं बेसिकली, मैंने जो बताया 10 लाख यूनिट्स कंटिन्यूस दोनों गुर्दों में, यानी 20 लाख हो गई वो काम कर रही है उसमें, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अब फेल होने के मानी सिंपल से हैं, जब ये काम करना वो रोक ले, अपना काम करना छोड़ दे, तो इसका मतलब है वो गुर्दे फेल हो गए उसमें। और दो किस्म से हो सकते हैं, एक्यूट का वर्ड यूज़ करते हैं जब वो विदिन 24 to 48 आवर में काम करना छोड़ दें, सही, और वो रिवर्सिबल हो सकती है, उसको सही होने में 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन बाकी उसके कॉजेज जो है वो काफ़ी अलग किस्म के होते हैं, अचानक से हुआ और फिर कुछ अर्सा लेकर वो सही भी हो गया। तो अक्सर लोगों को लोग हमारे पास आकर ये बोलते हैं कि फलाने के 2 या 4 डायलिसिस हुए और वो फिर सही हो गया, तो डायलिसिस से गुर्दे सही नहीं होते, उनको जो है वो टेम्प्ररी रीनल शटडाउन में गया हुआ होता है, अपने आप गुर्दा काम करना शुरू हो जाते हैं, हमें से उस पीरियड को कवर करना होता है जिसमें उसके अपने गुर्दे काम नहीं कर रहे होते हैं।
क्योंकि ए के आई हाँ उसके ऊपर सिम्टम्स पे जब हम आएंगे तो पहला कुछ सिम्टम्स ही नहीं होते, मसला ये है, लेकिन उस पर हम आएंगे। ए के आई का सब्जेक्ट जो है वो हमारे इस स्कोप से बाहर का है, तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड जो हिस्सा है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो कि मेन रीनल फेलियर का रीज़न है, और वो उसमें जो है वो स्लोरी जो है वो डेवलपमेंट होती है। जैसे मैंने कहा कि शुरू में 50,000 या 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नेफ्रॉन, इस तरह हल्के 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 नेफ्रॉन्स ने काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद फिर जो है वो फाइनली एक टाइम ऐसा आया जबकि अब उसमें इतने कम नेफ्रॉन्स फंक्शनल रह गए हैं कि अब वो 1 लिहाज से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाए। तो उसी पे हम आज का मेनली लेके चलेंगे, क्रॉनिक वाले कंपोनेंट पे। डेफिनेशन ये है कि 3 महीने से ज़्यादा कोई भी गुर्दों की फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी रह जाए उसको जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके लिए 3 महीने का अरसा हो जाए, इवन कि अगर जो ए के आई के बारे में जिस पर हमने कहा वो रिवर्सिबल है और टेम्प्ररी है, अगर वो भी 3 महीने का सही ना हो तो वो भी क्रॉनिक में आ जाएगा। सही, तो ये बीमारियाँ जो होती हैं इसमें एक चीज़ GFR जो मैंने आपको बताया ना कि 120 से 150 लीटर खून साफ होकर ट्यूब में आता है, उसको हम GFR बोलते हैं। तो नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान का GFR यानी ग्रोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, यानी वो जो बेसन के शेप का यूँ समझ लें कि जो हमने स्ट्रक्चर शो किया उसमें जो खून आता है साफ़ होने के लिए और उससे जो फिल्ट्रेशन होती है, वो नॉर्मली दोनों गुर्दे मिलाकर एक दिन में एक इंसान के 120 ml यानी 120 ml पर मिनट के हिसाब से होती है। यानी एक मिनट में हमारे दोनों गुर्दे मिलकर 120 ml खून की सफाई करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये GFR के बेसिस पे कि खून की सफाई कितना कर सकता है गुर्दा, हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को या क्रॉनिक इसको मुख्तलिफ इसमें दवाई करते हैं, और इसके बेस पे जो है वो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने दवाई किया हुआ। तो जब हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि इनके गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं या एंड इसेज रीनल डिजीज़ का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसके मानी ये है कि उनके गुर्दे अब 1 मिनट में 15 ml खून की सफाई भी नहीं कर सकते। 120 नॉर्मल है और 15 ml से भी कम हो जाए तो वो बिल्कुल ही नाकारा होगा। पाकिस्तान में ऑब्वियसली काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, और हर साल 18,000 लोग गुर्दे बिल्कुल फेल हो जाते हैं, डायलिसिस पे आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम डायलिसिस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करने की वजह से इनमें से अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली मर जाते हैं। तो इसी वजह से कि जब हो जाएगा तो फिर इसका लायमत, क्योंकि ट्रांसप्लांट हमारे वहाँ जो है वो बहुत ही मुश्किल है, लोगों में जो है वो ट्रांसप्लांट में यानी कैटावेरिक के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें कुछ मजहबी भी हैं, कुछ लोगों के कल्चर ग्रीप भी हैं, तो हमारे वहाँ वो पॉपुलर नहीं है। लाइव डिटेक्टिक ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि आपने अपने रिश्तेदारों को ही गुर्दा दिया जैसे कि, तो उसकी वजह से वो को हमारे लिए एक लिहाज से मेथड है ही नहीं हमारे मुल्क के लिए, जो रेशो है जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उसके सामने। और डायलिसिस की फैसिलिटीज भी पूरे मुल्क में एज कम्पेयर टू नंबर पेशेंट्स देखा जाए तो वो ना होने जैसी है इसमें। और ये चूँकि थोड़ा एक्सपेंसिव इलाज भी है, क्योंकि पूरी लाइफ करवानी है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है, और फिर तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये अहमियत इसकी इस वजह से है कि इसके केसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं और हमारे पास हम जो है उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में पीछे रह गए, गवर्नमेंट लेवल पे कहें या एज कम्युनिटी लेवल पे कहें। तो उसमें मेन रीज़न इसके बढ़ जाने का जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, तो एक से किसी को लग सके। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है तो कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। चूँकि ये वाली बीमारियों का रेशो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है हमारी पॉपुलेशन में, शुगर बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गई है, इसकी वजह से ये हमें फेस करना पड़ रहा है कि हमें रीनल प्रॉब्लम भी इतने सारे देखने को मिल रहा है।
और दुनिया भर में एक रफ एस्टिमेशन से हर 10 में से किसी एक इंसान को कोई ना कोई किस्म का रीनल प्रॉब्लम है, चाहे वो मैंने कहा स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो या कोई मामूली से मसला हो। कॉमन बीमारियां जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं उसमें वही नंबर वन पे डायबिटीज़ आ जाते हैं। 30% लोग जिनके गुर्दे फेल होते हैं उन्हें शुगर होती है। फिर हाइपरटेंशन इटसेल्फ गुर्दों को ख़राब करें या ना करें इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और हाइपरटेंशन की वजह से गुर्दों के ख़राब होने की रफ्तार में इजाफा होता है। और 25% लोग कम अज़ कम, यानी ये सेकंड टू डायबिटीज़ आते हैं, कि 55% को समझ लें शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से ही गुर्दे ख़राब होते हैं, बाकी जो रह गया वो बाकी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसमें एक बीमारी आप लोगों ने शायद सुना हो कि पेशाब में चर्बी आ रही है, आम लोग बोलते हैं, तो वो बेसिकली प्रोटीन आ रहा होता है, उसे ग्रोमेरुलोनेफ्राइटिस ग्रोमेरुलोनेफ्राइटिस का नाम बोलते हैं वो है। फिर स्टोन डिजीज जो कि इनका काम है, पत्थर तोड़ने का काम जो है वो शेर भाई का हमने रखा हुआ, तो वो वाले बहुत बड़ा रेशो है हमारे वहाँ का। और फिर एक जो है वो फैमिलियर बीमारियाँ वगैरह, और इस तरीके से वो बाकी सारी बीमारियाँ जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सिर्फ गुर्दे फेल हो जाने से गुर्दे फेल हो जाना अपनी जगह है, लेकिन इसके ये को खैर वही डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे दिल पे भी बहुत असर पड़ता है। और जैसे कि ये कुछ इस रीसेंट इसमें अगली के LVH मींस के हार्ट का बड़ा हो जाना, जैसे लोगों से सुना होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसी तरह जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होते हैं जो MI और ये सारे जो होते हैं उसमें उसका रिस्क भी तो है, वो जैसे जैसे GFR कम होता है वैसे वैसे, जैसे कि ये चार्ट शो कर रहा है कि GFR के कम होकर तो है वो रेशो बढ़ते जाते हैं। सो ये सारी उन्हीं की कुछ है। एक चीज़ सिर्फ यहाँ पर जो मैं आपको स्पेसिफिक के लोग कैंसर के बारे में बड़े परेशान होते हैं, ये एंडिसिस रीनल डिजीज यानी गुर्दे फेल हो जाने का सर्वाइवर है। और ये कैंसर में देखें कि सिवाय फेफड़ों के कैंसर के बाकी सारे कैंसर से बुरा सर्वाइवर है गुर्दों फेल हो जाने। तो कैंसर चूँकि हमें लगता बहुत बुरा है लेकिन ये भी उससे कोई कम नहीं है, बिकॉज के इसकी जो सर्वाइवर मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी है वो इन सब से बढ़ जाती है। इनफेक्ट के अच्छे ब्रेस्ट कैंसर से और कॉलन के कैंसर और इन सारी कैंसर से कोई ये काफ़ी हाई है, काफ़ी कम सर्वाइवर है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के। जो सिम्टम्स की बात की आपने, एक मसला ये है कि ये सिम्टमेटिक है, साइलेंट डिजीज है, इसमें कुछ होता ही नहीं। 50% से ऊपर गुर्दा ख़राब हो जाए आपको कुछ होगा ही नहीं। तो इसी वजह से अक्सर पेशेंट हमारे पास जो है वो आते हैं काफ़ी आगे थे वहाँ पर जहाँ पर उनके रिवर्सिबिलिटी के या कुछ प्रिवेंटिव मेज़र के कोई चांस नहीं बचे होते। फिर उसके अलावा जो कुछ जब मैंने जैसे आप देखेंगे जो फंक्शन है ना उसी से उनके सिम्टम्स होंगे। जिस्म से पानी निकालना गुर्दे का काम है, वो पानी नहीं निकाल पाएगा, जो पानी आप पियेंगे वो जिस्म में रुक जाएगा कहीं ना कहीं जमा होगा, पैरों पे सूजन लाएगा या फेफड़ों में जमा होकर सांस फुलवाएगा या आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाएगी। तो सबसे पहली अलामत अमूमन लोगों की पैरों पे सूजन से आती है, जिसको अक्सर लोग ये सोच के इग्नोर कर जाते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम ऐसा है लंबे वक्त खड़े रहना है फलाना फलाना, और वो इसे इग्नोर कर जाते हैं। स्पेशली जिनको शुगर ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी या फैमिली में कोई हिस्ट्री हो उसे को फौरन ही इसको सोचना चाहिए और इससे वो जाना चाहिए। बाकी यूरिन बनाना उसका काम है, यूरिन कम हो जाएगा, जो खून में सफाई ना होने की वजह से उसमें वीकनेस लिथार्जी फटीग हो सकती है, और खून बनाना भी गुर्दे का काम है तो फिर खून की कमी भी हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो पेशेंट को महसूस हो सकती हैं, मगर चूंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये हर किस्म की बीमारी में हो सकती है, मतलब वीकनेस को जो है वो मुझे बिना किसी बीमारी के भी मैं महसूस कर सकता हूँ। कोई इन सारी सब अलामत के बेसिस पे कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गुर्दे का मर्ज है। तो इसलिए जो अहम चीज़ है, जो मैसेज है वो ये कि बिना चेक करवाए, एक ये वो है जिनके वो बिना चेक करवाए जो है ना स्क्रीन करवाए आपको मालूम ही नहीं हो सकता कि गुर्दे ख़राब है। तो इसलिए जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जिनकी फैमिली में किसी को रीनल फेलियर है, उसको साल में एक मर्तबा अपने गुर्दे का चेकअप
या स्ट्रीनिन जिसको बोलते हैं, करवानी चाहिए। तो साइलेंट किलर है, साइलेंट बीमारी है, वो नहीं अलामत बन के सामने आएगी जबकि उसको जाकर चेक नहीं किया जाए। तो चेक कैसे करना है उसके लिए कुछ खून की रिपोर्ट्स है, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, इस पे आऊँगा मैं आगे, यूरिन फॉर प्रोटीन है और अल्ट्रासाउंड है। ये चार इन्वेस्टिगेशन से अक्सर यह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। तो इस पे थोड़ा जो हम कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, सीरम क्रिएटिनिन भी जो है वो मसल्स में बनते हैं, हमारे एंजाइम है मसल्स में बनते हैं और रोज़ बन रहा होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो मैं अक्सर पेशेंट को भी समझाता हूँ कि बेसन में, बेसन का ही स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए मैं समझना आसान है कि पानी आता है तो जब तक नीचे से पाइप ब्लॉक नहीं होगा वो पानी चला जाएगा। आपको कैसे मालूम होगा कि पाइप ब्लॉक है जब पानी रुकना शुरू होगा? तो इसी किस्म से ये क्रिएटिनिन रोज़ बनता है और रोज़ निकल जाता है। जब ये बनना शुरू होता है तो आपको मालूम होता है कि कहीं पर गुर्दा काम नहीं कर रहा अपना। तो बेसिकली ये क्रिएटिनिन एक सेल्फ टॉक्सिन नहीं है, ये एक मार्कर है जो कि आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि अब आपके गुर्दा जो है जो काम उसको करना चाहिए था वो नहीं कर सकता। सही, तो पहले ये है। और इससे हम इनडायरेक्ट GFR जो हमने बात की कि फिल्ट्रेशन कैसा कर रहा है गुर्दा, उसका इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक एक नेफ्रॉन पे कितना यूरिन बना रहे हैं वो को कलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं है, 20 लाख नेफ्रॉन में से कैसे निकालेंगे। तो इनडायरेक्ट आपको कोई ना कोई मार्कर चाहिए, तो उसमें हम सीरम क्रिएटिनिन चेक करवा कर इनडायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो जो भी बनता है वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, नहीं टॉक्सिक नहीं। अगर मैं किसी को क्रिएटिनिन भरकर इंजेक्शन लगा लूँ तो वो मर नहीं जाएगा, ये टॉक्सिक नहीं है। पर ये मार्कर है क्योंकि इसका निकल जाना था, अब ये नहीं निकला है तो इसका मतलब है कि जो इसका प्रोसेस है निकलने का उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसका नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन हैं जिसके नाम भी हमें नहीं मालूम, और बहुत सारे टॉक्सिन जिनके नाम मालूम है उनको हम चेक नहीं कर सकते। तो ये बात एक बार कंफर्म हो गई कि आपका गुर्दा जब एक चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा तो बाकी सारे टॉक्सिन को भी नहीं कर सकता होगा, तो फिर आपको उस उन टॉक्सिन से जिनमें से मैंने कहा कुछ के नाम हमें मालूम है लेकिन हम चेक नहीं कर सकते और कुछ के नाम ही नहीं मालूम, वो नुकसान कर रहे होते। पर एक सेल्फ ये नुकसान है, इसकी मिसाल मैं वो उन टॉक्सिनों से होते हैं, इससे नहीं होते, ये तो मार्कर है। लेकिन बहुत सारे टॉक्सिन ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह हैं, वो हम मेज़र नहीं कर सकते लेकिन वो नुकसान कर रहे होते हैं। यानी इसकी अक्सर हम मिसाल यूँ दे रहे होते हैं कि गाड़ी में जो है गर्म होती है, कोई एक एक सुई ऊपर चली जाती है ना, तो सुई ऊपर हो जाने से हमें मालूम होता है कि गाड़ी गर्म हो गई। अगर मैं सुई हाथ से नीचे कर लूँ तो मसला सॉल्व हो जाएगा? तो वो सुई सिर्फ मार्कर है, सुई नुकसान नहीं है, नुकसान को कहीं और हुआ हुआ है। वही मैं पूछना चाह रहा हूं, वो नुकसान गुर्दे में हुआ हुआ है, उसने काम करना छोड़ दिया ना अपना। तो इसकी मालूमात हमें इस रिपोर्ट से होगी। बहुत कम बीमारी ऐसी होती है जिसमें इंक्रीज यूरिन आता है। हमने स्टेजेस डिफाइन किए गए, स्टेज 1 से लेकर 5 जब रीनर फेलियर के, तो उसका जो पहला स्टेज है उसमें कभी कभी लोगों को इंक्रीज यूरिन आ सकता है। मगर अमूमन लोगों को जो इंक्रीज यूरिन की बात कर रहे होते हैं ना, वो वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे होते, वो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि आप अक्सर जो है ना, यानी आप एक इंसान 10 मरतबा यूरिन करने जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत पेशाब कर रहे हैं, हो सकता है वो बार बार पेशाब करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम में फ़र्क है। तो जो पानी पी रहा है वही वॉल्यूम निकलता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला चैप्टर जो है वो शोएब, डॉक्टर शोएब जो है वो कवर करेंगे।
वो गुर्दों का मसला नहीं होता, बस ये मैं आपको बता, वो जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कुछ और होते हैं। सही, जैसे कोई पानी किया अभी और थोड़ी देर में वो को अच्छा है भाग, सूख जाता वो को अच्छा है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। पानी पिया तो आया ना, बिना पानी पिए अगर यूरिन निकल जाए, यानी पानी जिस्म से निकल जाए और पानी की कमी हो जाए बिना पानी पिए, वो मानी रखता है कि वो बहुत कम, बहुत रेयर बीमारी है वो, तो वो अमूमन नहीं होती लोगों में। सही। अच्छा, फिर सेकंड जो इसमें समझना ये है कि सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू जो नॉर्मल ली जाती है वो एक ली जाती है। अगर जब ये एक से एक 1.5 पे पहुंच जाए तो इसके मानी ये होते हैं कि 50% या 60% गुर्दे ने काम छोड़ दिया। हम अक्सर नंबर्स में फंस जाते हैं। इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, यानी इनवर्स रिलेशन है विक गुर्दों के काम करने की सलाह से। तो 1 से 1.5 होने में ही 60% गुर्दा ख़राब हो चुका होता है। फिर जब वो 1.5 से 3 पे जाते हैं तो बाकी सिर्फ 20% और बचा हुआ ख़राब होता है। मगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा 3 को, अक्सर हम जो है ना अर्ली स्टेज पे मिस कर जाते हैं कि नहीं अभी कोई 1.3 या 1.5 है, तो आप चेक नहीं करवाते। यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये कम लेवल से भरना इसका जो है वो एक्चुअल नुकसान को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर 60% के मतलब ये है कि जो GFR 120 ml था वो 60 पे आ चुका, तो इसलिए जो है वो इसको इनिशियल लेवल पे ही इसको चेक करवा लेना चाहिए। सेकेंड मार्कर यूरिया है। वो यूरिक एसिड से लोग यूरिया को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। यूरिक एसिड और यूरिया का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यूरिया जो है वो भी इसी किस्म से जिस्म में बनता है, लीवर से प्रोटीन का एक बाई प्रोडक्ट है जो कि बनता ही है। यूरिया एक सेल्फ भी कोई पॉइजन नहीं है, ये भी एक मार्कर है इसका बढ़ जाने से, लेकिन यूरिया बहुत सारी और कैफियत में भी इंक्रीज हो सकते हैं, तो इसलिए यूरिया के मुकाबले में क्रिएटिनिन जो है वो अच्छा मार्कर है फॉर असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शन। जो दूसरा फंक्शन है वो यूरिन का ये है कि गुर्दे का ये है कि वो जो काम की चीज़ें उसे ना निकाल दे, वेस्ट को निकाले मगर जो काम की चीज़ें हैं हमारे उसको ना निकाल दे। तो हमारे खून में जो प्रोटीन या एल्बुमिन होता है वो यूरिन में नहीं आना चाहिए। अगर वो आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा गुर्दा जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, उसमें नुकसान है। सही, तो उसके लिए भी ये मुख्तलिफ मेज़रमेंट है। अब इसकी तफसील में जाना मेरे ख्याल में अभी नहीं चलते। अच्छा, पहली चीज़ कि एक्सेस ऑफ यूरिन पे मैंने वो फिर कहा, वो एक्सेस ऑफ यूरिन का वॉल्यूम नहीं होता, अमूमन फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ऐसा कोई चीज़ निकल नहीं जाए। हाँ, अगर निकल जाए तो वो एक्चुअली फिर एक उसका कॉन्सेप्ट यूँ समझना पड़ेगा, जैसे चाय की छन्नी है, उसका काम यह है कि कचरे को ऊपर रोक ले और साफ चाय आए। अगर उसके पोर्स ख़राब हो जाए तो फिर कचरा भी चाय में गिरेगा। सिमिलरली इसी किस्म से हमारे गुर्दे में आपको वापस वही स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, वो जो नेफ्रॉन का मैंने बताया, अगर वहाँ पर जो है वो, अब ये सब माइक्रोस्कोप लेवल पे, वो इसी किस्म की मेम्ब्रेन होती है, वो अगर उन चीज़ों को जो कि नहीं आना चाहिए यूरिन में वो ना रोक सके तो फिर वो जो है वो आना शुरू हो जाता है। हाँ, उसके लिए उसका उसकी मेजरमेंट इसी तरह होगी कि यूरिन में प्रोटीन चेक किया जाता है। यूरिन में एसस प्रोटीन आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, मगर 150 मिलीग्राम तक के ये प्रोटीन हम ओके बोलते हैं कि पेशक आ जाए। सही, एक वर्ड यूज़ किया जाता है माइक्रो एल्बुमिनूरिया, अगर किसी ने सुना हो, और एक मैक्रो एल्बुमिनूरिया। ये माइक्रो और मैक्रो मिस नॉर्मल है। मिस नॉर्मल यूँ है कि ये माइक्रो और मैक्रो साइज में नहीं है, ये क्वांटिटी में। तो माइक्रो एल्बुमिन के मानी ये है कि वो कम आ रहा है और मैक्रो के मानी है कि ज़्यादा आ रहा है। तो 300 मिलीग्राम से कम अगर प्रोटीन आ रहा है यूरिन में तो वो माइक्रो एल्बुमिन कहलाएगा, यानी कि कम आ रहा है 300 मिलीग्राम से, और अगर 300 से ऊपर आ रहा है तो फिर वो मैक्रो कहलाएगा।
हमारे लिए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एल्बुमिन 300 से ऊपर वाला, माइक्रो की भी अहमियत है लेकिन उसका रिस्क फिर हार्ट डिजीज़ और उन सारी चीज़ों के साथ उसका रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारे लिए एक्चुअल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है जब 3 ग्राम से ऊपर आने लगे, तो वो फिर जो है ना ये सारी अलामत जो पैर सूज जाना और सारी तकलीफें लेकर आते हैं, 3 ग्राम से ऊपर जब प्रोटीन आना शुरू हो तो फिर वो काफ़ी नुकसानदेह हो जाते हैं और वो कुछ ही अरसे में गुर्दे को भी फेल करने का सबब बन सकता है। सही, तो ये वही तरीके हैं उस पर हम नहीं जाते। एक अल्ट्रासाउंड करवाने से हमें उसकी साइज, गुर्दों की साइज और उसके उसमें कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज है कि वो मिल जाती है। बहुत लंबा हो गया, तो इसमें अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल साइज गुर्दों का 9 से 12 सेंटीमीटर, अगर 9 से कम है उसका मतलब है कि आपके गुर्दे सुकड़ चुके हैं। सही, और वो इरिवर्सिबल होता है। और फिर इसमें और चीज़ें भी मालूम हो सकती हैं लेकिन वो अगर श्वेब का हिस्सा है तो वो उसमें, ये 4 चीज़ें अगर आपने करवा ली बेसिक 1 साल में 1 मरतबा और ये चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आप अभी हमसे बचे हुए हैं। हाँ, नेफ्रॉन क्या है कि जैसे कॉलेप्स हो जाते हैं ना, तो अगर जो हिस्सा कॉलेप्स हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो जो कंप्लीट मास है वो भी श्रिंक कर जाएगा। इसको मैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को अब निकाल देता हूँ। अच्छा, हाइपरटेंशन में मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक वो बता दूँ कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। 120 और 80 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 80 से ऊपर का, 100 ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कहलाता है, नीचे का डायस्टोलिक कहलाता है। ऊपर का ब्लड प्रेशर उस वक्त आता है जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिल का काम पंप करना है ना, तो दिल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्रेशर जो आता है उसे ऊपर का ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी सिस्टोलिक कहा जाता है। जब वो वापस से रिलैक्स होता है और जो प्रेशर आता है उसे डायस्टोलिक कहा जाता है, नीचे का कहा जाता है। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120, नीचे का 80, ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर एक नाम है प्री हाइपरटेंशन, वो 120 से लेकर 140 के बीच वाले ऊपर के लिए और नीचे से जो है 80 और 90 के हिसाब से। ये वो ग्रुप है जिसको अभी ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है पर ये प्रोन है कि अब हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा फिक्र इन लोगों को करनी चाहिए। किस उस पर भी आता हूँ कि किस तरीके से उसको चेक करना चाहिए। और फिर 140 और 90 से ऊपर हो तो वो स्टेज 1 कहलाता है, और 160 से ऊपर हो और 100 से ऊपर हो तो स्टेज 2 कहलाते हैं। ऐसे तो आपका सवाल है उसके लिए कि पहली चीज़ को ये है कि ब्लड प्रेशर एक मरतबा चेक होकर डायग्नोस नहीं हो सकता, उसको जो है वो कम से कम 2 अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्शन में चेक करना चाहिए। और उसके तरीका यही है कि उस वक्त ना आपने विदिन हाफ आवर में कॉफ़ी या चाय या कुछ इस्तेमाल नहीं ना किया हो और इसी किस्म की कॉफ़ी या चाय आपने इस्तेमाल ना की हुई हो। कोई एक्सरसाइज वगैरह ना की, बंद भी करते तो चल जाएगा। कोई एक्सरसाइज ना की भी हो या कोई और पेन या कोई स्ट्रेस ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो और 2 अलग क्लिनिकल सेटिंग में होना चाहिए। फिर अगर वो हाई आए तो फिर उसे डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। कभी एक बार चेक करके सिर्फ ब्लड प्रेशर लेबर नहीं किया जा सकता। फिर उसका फॉलोअप ये है कि अगर आपका 130 और 80 से के अराउंड आया तो आपने साल में एक मरतबा चेक करवाना चाहिए वापस। अगर आपका जो है वो 130, 140 और 80, 85 के बीच में आया, वो 85 से 89 के बीच में आया तो आपको जो है वो आपको जो है ना को चेक को करवाना ही चाहिए मगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेक शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें जो सारी चीज़ें हम आगे रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे फ़ायदा उसी को होगा जिसको अभी हुआ नहीं है, जिसको हो जाएगा उसको, जिनका 140 और 160 के बीच में आए
उसको जो है वो कंसर्व कर लेना चाहिए, उसको सिर्फ उसको अब इलाज की ज़रूरत शुरू हो गई है। और जिसका 160 से भी ऊपर आए और उसको को दूसरी बार चेक करवाने, यानी पहला 160 वाला को फिर भी एक बार 2 महीने में कंफर्म करवा ले, उसके बाद इतना टाइम है। लेकिन जिसका 180 के करीब आए उसके पास कोई टाइम नहीं, उसको उसी वक्त दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए उसमें। तो इस किस्म से इसकी जो है वो बनी है। ये सब वही है कि क्या गोल्स क्या होने चाहिए, कि गोल्स मोर और लेस सबके 130 का ऊपर से नीचे का 80 से कम होने चाहिए। अब ये बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि ये जनरल चीज़ें हैं जो हर चीज़ में हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि हम में से कोई नहीं करता होगा, करता है कोई इत्तेफाक से? तो इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ काम की चीज़ ये है कि एरोबिक करनी चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें मसल्स बार बार मूव हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो। तो स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, भागें, वॉट्स एवर। फिर वीक में कम से कम 3 रोज़ हाफ आवर के लिए करनी चाहिए उसमें। शुगर कंट्रोल, जिनको है नहीं है उनको चेक करके स्क्रीन में रहना चाहिए, जिनको है उसको जो है वो चेक कंट्रोल में रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए। खुराक में जो है वो ऑब्वियसली फलों का इस्तेमाल और वेजिटेबल का इस्तेमाल रखना चाहिए, और जो फास्ट फूड और वो सारी चीज़ें हैं वो सारी कम करनी चाहिए। ये सबको मालूम है यानी, इसलिए मैं बस इसको निकल रहा हूँ। नमक के बारे में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि नमक जब ब्लड प्रेशर हो जाए या गुर्दा ख़राब हो जाए तो नमक बिल्कुल बंद करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। नमक कुछ ना कुछ को इस्तेमाल करना ही चाहिए। हाँ, अलबत्ता ऊपर से छिड़क कर कच्चा नमक, जैसे कहना चाहिए ऊपर से इजाफी नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो खाने में, रोटी या चावल में या जो हम पकाने में नॉर्मल नमक इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं। पानी के बारे में सिर्फ ये कहूँगा, पानी की कोई मिकदार ऐसी नहीं है जिसके बेस पर आप फैसला कर सकें कि इतना पीना चाहिए या इतना पीना चाहिए। हर इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट है, जो जैसा काम करेगा उसकी पानी की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होगी। जो लोग एसी में ही रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है, जो आउट फील्ड में काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हाई है। तो यूरिन की कंसंट्रेशन आपकी और यूरिन का कलर आपको आपके जिस्म के पानी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के बाद जो पहला यूरिन आता है वो काफ़ी कम डार्क येलो और कंसनट्रेटेड आता है, वो पानी की कमी शो कर रहा है। और उसके बाद जब आप पानी पी लेते हैं तो फिर नॉर्मल या तो बिल्कुल ही पेल येलो या बिल्कुल ही पानी के जैसा जब यूरिन आते हैं, इससे मानिए कि आपके जिस्म में पानी वापस से रिफिल हो चुका हुआ है, काफ़ी हो चुका हुआ है। तो ये पानी का आपको फैसला करना है कि मुझे कितना पानी पीना है, वो आप फैसला कर सकते हैं अपनी यूरिन के कलर और उसकी कंसंट्रेशन से। उसके कोई 4 गिलास, 6 गिलास, 8 गिलास, 3 किसी के लिए हो सकते हैं, 3 लीटर पी लेना भी ना काफ़ी हो। सही, वो मौसम पे और सब, स्मोकिंग को करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए सॉरी। और पिल्स में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो वॉरेन ब्रूफेन पोस्टान की दवाइयाँ भरी लापरवाही से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सारे जो है वो गुर्दों की ख़राबी का बायस बन सकती है। और स्पेशली जिनको पहले से कोई मसला हो उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये वही वाली चीज़ है कि बेसिकली जिनको शुगर ब्लड प्रेशर हो, 40 साल से ऊपर की हो, फैमिली में कोई हो, उन सबको साल में एक मर्तबा कम से कम अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। क्योंकि इसके वही वाली चीज़ है कि अलामत नहीं है कोई, इसलिए बिना चेक करवाए हुए आपको ये नहीं मालूम हो सकता कि आपके गुर्दे सही काम करें। तो इस पे शुक्रिया के साथ जी। क्रॉनिक वाले में नहीं कर सकते, श्रिंक होने के बाद नहीं कर सकते। वो कोई फाइब्रोस हो गया ना, जैसे स्किन पे कभी आपके स्कार लगे या वो कोई जख्म लगे, कोई स्कार आ जाते हैं, उस स्कार के ऊपर कभी बाल वापस से नहीं आते ना, तो वो मर चुका हुआ है। ऐसे उसको कैसे रिवाइव करें? उसको रिवाइव नहीं कर सकते। कुछ सेल्स इंसान के जिस्म में ऐसे हैं जो रीजनरेट हो सकते हैं, जैसे स्किन रिमूव हो को वापस नई स्किन आ सकती है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि वापस से रीजनरेट नहीं होते, तो गुर्दों के सेल भी उनमें से हैं जो रीजनरेट नहीं हो सकते। नहीं, वो भी बढ़ता जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो प्रोसेस शुरू हो गया वो
एक्सेस काम करना पड़ा है ना, 10 लाख नेफ्रॉन मिलके जो काम कर रहे थे अब 2 लाख को करना पड़ा, तो वो भी रफ्तार रफ्तार तो वो को अब एक वीसे साइकिल में आ गया, अब नहीं सही हो सकता। जीरो ना, जीरो पे रहना है प्रोसेस स्टार्ट ना हो, खराब को ऐसे ही हर चीज़ में ऐसा है कि हो ही ना को अच्छा है, हो जाए को अर्लीस्ट आप उसका जो रेमेडी कर लें तो वो अच्छा है। आप जो है वो प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप अभी भी लापरवाही में रहे तो आप केयर नहीं करेंगे ना अपनी, वो चीज़ें जो उसको नुकसान कर रही हैं वो आप उसी लाइफ स्टाइल को जी रहे होंगे। वही सारी चीज़ें हैं कि अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो उसे कंट्रोल में रखेंगे, आप पेन किलर्स को अवॉइड करेंगे, शुगर को जिनको होगी वो अपनी शुगर कंट्रोल में रखेंगे। फिर इसकी जो है वो चूँकि अभी को हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इसके काफ़ी सारे फंक्शन हैं, तो जब आप बाकी सारे फंक्शंस को संभालते हैं तो भी इसका जो है वो अपना लाइफ को प्रोग्रेस कर जाती है। नहीं, उसमें कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं लेकिन उसके अभी आप ना सोचें, सही, वो अपने डॉक्टर पे छोड़ दें। नहीं, बहुत सारे और भी हैं, हाँ मतलब नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, ऐसे स्वेलिन आएगी जब पानी जिसम में रुकेगा तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जगह बनानी है, पानी ऐसे नहीं रुकेगा, या तो पैरों पर आएगा। लेकिन जो आपका सवाल है कि दिल की खराबी से भी, यानी दिल प्रॉपर पंप ना करे तो भी को पानी रुकेगा ना पीछे, तो उससे भी स्वेलिन आ सकती है, जिसम में पानी रुक सकते हैं, लीवर के प्रॉपर काम ना करने से भी स्वेलिन आ सकती है। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं है, लेकिन स्वेलिन आना इसकी, इसीलिए मैंने कहा कि ये ओवरलैप सिम्टम्स है, आप चेक नहीं करवाएंगे आपको नहीं मालूम होगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। देखें, अच्छी बातों का प्रचार करना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात कि मेरे नॉलेज में ये बात कि डॉक्टर मुर्तज़ा जो हैं वो रजब के भी रोज़े रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आज इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन इतने एफर्ट करते हुए इतना टाइम निकाल के आए, लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर मुर्तज़ा।